नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कार दरबार में। मैं हूं आपका होस्ट अतुल। तो आज हम कुछ ज़्यादा ही नेचर के बीच में बैठ के आपके क्वेश्चनों का आंसर देंगे। तो जो मेरे पास पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो कह रहे हैं कि भाई 2010 मॉडल पेट्रोल LS वेरिएंट आस्किंग प्राइस 130,000, व्हाट इज़ द वंडरफुल प्राइस आई कैन नेगोशिएट। तो CR अरुण जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप 2010 मॉडल शेवले बीट लेने जा रहे हैं तो ये प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। आप कोशिश करो कि ये 1,00,000 के अंदर डील जो है वो फाइनल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है वो अंकुश का आ रहा है। वो कह रहे हैं कि टी परमिट बीट 2016 50,000 किलोमीटर चली है, प्राइस क्या होना चाहिए। 2016 का प्राइस 50,000 किलोमीटर चली हुई है तो मेरे हिसाब से 1,60,000 रुपये मैक्सिमम प्राइस है। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी का कंडीशन कैसा है, तो आप इतने पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है मनोज कुमार का। ये कहते हैं, हाय अतुल, दिस इज़ मनोज कुमार, आई हैव सीन अ बीट LT टॉप मॉडल 2017, 15,000 किलोमीटर ड्रिवन, आस्किंग रेट इज़ 2.5 lakh, दिस प्राइस सीम्स वर्थ बाय और नीड टू गो फॉर अदर ऑप्शन, प्लीज सजेस्ट एज इट वुड बी माई फर्स्ट कार। तो मनोज जी देखिए, अगर आप फर्स्ट कार लेना चाह रहे हैं तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। 2,50,000 रुपये इस गाड़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये कंपनी अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, बट इसके पार्ट्स जो हैं इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। आप मेरी दूसरी वीडियोस में भी देख सकते हैं कि इसके पार्ट्स कहाँ पर मिलते हैं। बाकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें 2,50,000 रुपये में, तो 2,50,000 रुपये में आपको i20 भी मिल जाएगी, 2012-13 मॉडल मिल जाएगा। बाकी आप कोशिश करो कि 2017 मॉडल बीट जो है आप 1,80,000 तक में नेगोशिएट करवाइए इसे। बाकी आप बीट के साथ जा सकते हो, बहुत अच्छी गाड़ी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉक्स बैट का। ये कह रहे हैं कि गुड टू नो पीपल हु स्टिल वॉन्ट्स टू ओन एंड ड्राइव शेवी बीट, आई एम द फर्स्ट ओनर ऑफ द 2013 BS वेरियंट। जी, हम आपकी बातों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बीट को रखे हुए हैं और उससे काफ़ी संतुष्ट हैं। एक बार आप बीट चला लेंगे तो आपको उस सेगमेंट की जो बाकी गाड़ियां हैं उनमें वो कंफर्टेबल चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको बीट में मिलेगी देखने को। बाकी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित राज का। ये कह रहे हैं, सर 2015 मॉडल है, प्राइस कितना सही रहेगा, 50,000 चली हुई है। तो अमित जी, मेरी पुरानी वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि 2015 मॉडल है, तो आपको इसके लिए 1,45,000 से 50,000 रुपये जाना चाहिए, उससे ज़्यादा इस गाड़ी के ऊपर नहीं जाइएगा। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टूलिंग शार्पटेक का। ये कह रहे हैं, हाय सर, आई एम आयु फ्रॉम बैंगलोर, 2010 मॉडल, 64,511 किलोमीटर चली हुई कार, कितने में खरीदूँ। तो 2010 मॉडल आप 1,00,000 के अंदर ही खरीदिए, क्योंकि उसकी उतनी ज़्यादा कोई वैल्यू है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये है न्यूज़ इंसान का। ये कह रहे हैं, सेलेरियो VXi 2015 कंडीशन अच्छी है, इंजन ठीक है, 58,000 किलोमीटर चली हुई है विथ सर्विस रिकॉर्ड, फर्स्ट ओनर है, आपके हिसाब से कितने में लेनी चाहिए। तो निजी इंसान जी, मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि गाड़ी कंडीशन कैसी है। बाकी 0.6 lakh से लेकर आप 2.8 lakh तक इस गाड़ी को बाय कर सकते हैं, डिपेंड करता है गाड़ी कंडीशन कैसी है। बाकी मारुति का प्रोडक्ट है, तो मारुति का प्रोडक्ट जाहिर सी बात है उसका रीसेल वैल्यू ज़्यादा है, तो आपको सेकेंड हैंड मार्केट में उस गाड़ी की जो कीमत है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है अमित राज जी का। ये कह रहे हैं, सर इसमें CNG किट आती है क्या। अमित राज जी, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें CNG किट नहीं आती है, इसमें LPG किट आती है, जो कि आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं CNG में। थोड़ा बहुत पैसा आपको लगेगा, क्योंकि टैंक का पैसा आपका सेव हो जाएगा, बाकी जो उसके इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं उसके कॉस्टिंग आपको पड़ जाएगी। प्रभाकर जी कह रहे हैं, सर AC का फुल सेट कितने का हो सकता है, मुझे 22K बोल रहा है लोकल मैकेनिक। तो देखिए, आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस पता करना है तो आप बूडमो वेबसाइट पे या ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको उसके प्राइस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे और आप वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। वो एक तरह का OEM प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करते हैं, और आपको भी आइडिया हो जाएगा कि उस प्रोडक्ट का प्राइसिंग कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है शेखर का, कह रहे हैं, हेलो सर, आई एम गेटिंग शेवरलेट बीट 2014 मॉडल, 85,000 किलोमीटर रनिंग, हाउ मच शुड बी द प्राइस। तो शेखर जी, 2014 मॉडल है तो आपको 1,35,000 से नीचे इसको कंसिडर करिएगा। दोस्तों, आप लोग के कुछ कमेंट का आंसर तो मैंने दे दिया आपको इस वीडियो में, बट मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं कुछ और नए नए प्रोडक्ट जो हैं सेकेंड हैंड मार्केट में उनकी रिव्यूज वगैरह करूँ, ताकि आपको भी थोड़ा क्लियरिटी हो जाए कि सेकेंड हैंड मार्केट में अगर आप कोई गाड़ी फाइंड आउट कर रहे हैं तो कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। क्योंकि आजकल सेकेंड हैंड मार्केट में गाड़ियों का एक तरह से कहें तो भरमार पड़ी हुई है, आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे अलग अलग कंपनीज के, और वो भी डिपेंड करता है कि आपका
आपका बजट कितना है कि आप सेकेंड हैंड मार्केट में आपको 50,000 से लेकर 5 लाख 10 लाख जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आपको सेकेंड हैंड गाड़ी जो है वो मिल जाएगी। और हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताएं जो कि सेकेंड हैंड मार्केट में अच्छी। कोशिश करेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में कुछ ऐसी गाड़ी लेकर आए जो कि आपके पॉकेट फ्रेंडली रहेगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बस अपना प्यार आप लोग ऐसे ही दिखाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।